रूम थोड़ा अंदर भाई, वो कैप उठा दो। हां ओके, मेरी हाइट बड़ी है। ओके, देखिए मैं महाराष्ट्र सरकार ने जो एक फैसला लिया है कि अब किराने की दुकान में, मॉल्स में, सुपर शॉपीज में अब वाइन बार्स खोले जा सकते हैं, अट्रैक्टिव वाइन का डिस्प्ले किया जा सकता है और कोई भी जाकर वहां पर वाइन खरीद सकता है। उनका तर्क ये है कि हम वाइन को इस वजह से बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो अंगूर की खेती करने वाले हैं उन किसानों को फायदा मिले है करके। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर अंगूर की खेती के लिए किसानों को फायदा मिल रहा है तो उनको गांजे की खेती करने की भी इजाजत दे दी जाए। सरकार को ये नहीं क्यों नहीं सूझा कि हम वाइन की जगह है तो किसानों के पास गाय, बैल और भैंस भी रहते हैं, तो हम वाइन की जगह हम है तो मिल्क बार्स स्टार्ट किए जाए किराने की दुकान के अंदर, सुपर शॉपी के अंदर है तो हम बहुत अट्रैक्टिव डिस्प्ले करके हम दूध की बॉटल्स रखें और बच्चों को और सभी को दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन ये ऐसा ना करते हुए उनको से पैसे से मतलब है और हमारी पूरी संस्कृति को खराब करने का ये फैसला लिया गया है। तो अब मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब और महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों को यह चुनौती देखता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाए करके उसके अंदर। मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं मेरे जिले के अंदर ये वाइन बार खोलने नहीं दूंगा। मैं मेरी माँ बहनों से ये अनुरोध करूंगा कि इस मुहिम के अंदर मेरे साथ में जुड़े और जहां पर भी ये खोलने की कोशिश की जाएंगी या खुलेगा तो उसको फोड़ देने का काम करे, बिल्कुल वहां पर चलना नहीं चाहिए करके। और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी माँ बहनों ने रस्ते के ऊपर आकर ये काम करने की जरूरत है क्योंकि हम समाज के अंदर ये जो बुराई लेकर आ रहे हैं तो या तो हम खामोश बैठ के इसे स्वीकार लें या नहीं तो हम उसका विरोध करें। और ऐसे कई समाज सेवकों ने कई मर्तबा जब समाज के हित के लिए अगर नियम और कायदे कानून तोड़ने की बारी आई तो उन्होंने नियम और कायदे कानून भी तोड़े हैं समाज की भलाई के लिए। तो हम भी इस भलाई के लिए, हम जहां जहां पर भी ये वाइन बार्स खोलने का जो भी सुपर शॉपी या दुकानदार अगर सोच रहा होगा तो तुम समझ लो कि तुम्हारी खुली वहां पे वाइन और हमने वहां पे आके फोड़ दिए है। फिर हमारे ऊपर जो केसेस होने का है हम वो केसेस झेलेंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये फैसला बच्चों के लिए ये है कि पहली सीढ़ी है तुमको नशाखोर बनाने के लिए। आज वो वाइन पियेंगे, कल के दिन जाके उनके हाथ में बियर की बॉटल रहेगी, परसों वो है तो विस्की लेंगे, रम लेंगे और कहेंगे कि नहीं इसकी शुरुआत जो है हमको तो सरकार ने बोली है कि तुम पी सकते है करके। ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है मैं समझ सकता हूँ। क्रिट्स मैया जी ने जो आरोप लगाया है, कहीं का क्रिट्स मैया ने संजय राउत को जो आरोप लगाया है क्या पूरी